नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे थे बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, और अक्सर मैं इस बात का जिक्र करता कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है कि नहीं लड़ रही, तैयारी कर भी रही है कि नहीं कर रही है। फिर एक दिन मैंने ये भी कहा था कि वो उनकी तैयारी सरफेस के नीचे चल रही है और समय आने पर वो बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो आज दिल्ली में अखिलेश सिंह जो सांसद हैं उनके निवास पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। रंधावा मौजूद थे, उनके प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आदि प्रमुख नेता मौजूद थे और सभी 25 सीटों पर बातचीत हुई। 15 सीटों के आसपास मेरा अनुमान है या मेरे पास संकेत है कि 13-3-3 लोगों का पैनल बना लिया गया है। हो सकता है पूरी 25 सीटों पर बना लिया गया हो, पर 15 सीटों पर जिन पर बीजेपी के प्रत्याशी सामने आ चुके हैं उन पर फोकस ज़्यादा है, पहले शायद उनका नंबर लिया जाएगा और बाकी 10 सीटों के लिए बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने की प्रतीक्षा की जाएगी। आज सिरोही और जालौर संसदीय सीट के लोगों ने, नेताओं ने खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की उनके निवास पर जयपुर में, सिविल लाइन्स में, और संयम लोढ़ा भी उसमें मौजूद थे जो सिरोही से जिले से, शिवगंज से विधायक रहे हैं और अशोक गहलोत कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने वहाँ बातचीत में जो कौन लड़ेगा जालौर सिरोही से तो बाद में सामने आएगा, फिलहाल वैभव गहलोत का नाम सामने है। पिछली बार भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे वैभव गहलोत, अशोक गहलोत वहीं से लड़ना चाहते थे। सचिन पायलट ने जिद करके, जब अशोक गहलोत अपने बेटे की चर्चा के दौरान बाहर चले गए मीटिंग से, तब जिद करके और जोधपुर शिफ्ट कराया था उनको और कहा था मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत तब उन्होंने कहा था कि वैभव गहलोत क्यों हारे ये उनसे पूछो जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी। तो अब वैभव गहलोत क्या जालौर सिरोही सीट से मैदान में उतरेंगे? वहाँ के सारे प्रमुख नेता आप देखिए ये बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करने के लिए। इस वक्त संयम लोढ़ा ने एक बड़ी बात कही महत्वपूर्ण, कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ने से परहेज नहीं करना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर बड़े नेता लड़ते हैं तो उन्होंने उम्मीद जताई कांग्रेस राजस्थान में 10 सीटें जीत जाएंगी। जालौर सिरोही की सीट को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है, आने वाले वक्त में बताएगा पता चलेगा कि अशोक गहलोत के बेटे वहाँ से लड़ते हैं या कोई और प्रत्याशी होता है। फिलहाल कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान एक दुखद खबर प्राप्त हुई है कि अशोक गहलोत के की बहन का निधन हो गया है जोधपुर में, और जोधपुर में कल अंतिम संस्कार होगा ऐसा समाचार मुझे अभी भी मिला है। चलिए